सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास पहाड़न जी को लेकर, क्योंकि आज मैंने जो है अपॉइंटमेंट ली है डॉक्टर से, क्योंकि पहाड़न जी के दांतों में जो है काफ़ी प्रॉब्लम है। तो आज हम निकले हैं जयपुर सिटी में और आज बहुत ज़्यादा ठंड लगी है, क्योंकि आज जो है ना मौसम बारिश का हो रखा है और ऊपर से पहाड़न जी बोल रही है कि भाई इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि क्या बोलें, और टोपा लगा के, और मुझे तो ठंड नहीं लग रही है। और बाहर का नज़ारा दिखाऊं आपको, बहुत ही ज़बरदस्त फॉग लगा हुआ है पूरा, और ये देखिए आप क्या ज़बरदस्त हाईवे बना हुआ है और फ्लाईओवर आप देख पाएंगे, बहुत ही भारत जोड़ो सेतु है। आपको यहाँ का नज़ारा जो है ना बहुत ही प्यारा देखने को मिलता है, और रात का जो नज़ारा है वो और भी खूबसूरत है यहाँ पे। उसके बाद भाई यहाँ की जो रोड़े हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है अकॉर्डिंग टू अदर स्टेट। तो जब मैं ये डेवलपमेंट शहरों में देखता हूँ तो सोचता हूँ अपने दिमाग में कि काश ये डेवलपमेंट हमारे उत्तराखंड में भी हो पाता, क्योंकि भाई उत्तराखंड में ये डेवलपमेंट अभी नहीं है, जैसे कि फ्लाईओवर हो गया। पहाड़ों में बेसिकली आप जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन पे जाओगे पहाड़ों में, तो वहाँ पे आपको ऐसी रोड़े देखने को नहीं मिलेगी, बहुत सारी जो है डैमेज रोड़े रहती हैं, तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। देखो शहरों में लोग जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे जो चीन के साइड पर जो पहाड़ी एरिया है बॉर्डर साइड पर, उन क्षेत्रों में जो है आज भी हमारी रोड़ें सारी कच्ची पड़ी हुई है, लेकिन शहरों में देख सकते हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त है और अच्छा भी है, लेकिन दुख भी होता है भाई क्या करें। अब सरकार के ऊपर ये बात होती है कि शहरों में जो है अब अच्छी रोड़ें हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जो है, चाहे वो आपका जम्मू कश्मीर है, चाहे वो आपका हिमाचल है, चाहे वो आपका उत्तराखंड है, या कोई भी पहाड़ी राज्य है, वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जो है हमेशा जो है सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और ऐसी रोड़े अगर हो जाए पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ पे टूरिस्ट का इतना अच्छा स्कोप है कि बहुत ही बढ़िया, कोई भी जो है अपने पहाड़ और उत्तराखंड को कभी नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि हर कोई जो है रोज़गार के लिए ही शहरों में आता है, और आप सभी भी आए होंगे तो जैसे हम आए हैं। और उसके बाद हम निकलते हैं डॉक्टर के पास यहाँ से अपॉइंटमेंट लेने, और हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर की एग्जैक्ट लोकेशन पर, और यहाँ पर पहाड़न जी को देखे आप क्या सोच रहे हैं ये, और बोल रहे हैं कि चलो जी, इनको काफ़ी एक्साइटेड हैं ये, मतलब इनको डर भी है और एक्साइटेड भी हैं। और डॉक्टर की जो सर्जरी है ना वो इनको बताएगी कि भाई इनका जो है ना दांतों का इलाज एकदम ख़तरनाक होने वाला है। यहाँ पे अंदर चलेंगे हम, और यहाँ पे पहाड़न जी भी आ चुकी है। तो यहाँ पे जो मैम है डेंटिस्ट, इन्होंने कोर्स कर रखा है बैचलर ऑफ डेंटिस्ट सर्जरी का, और यहाँ पे जो है अनुपका भी हो रहा है दांतों की सर्जरी। और सबसे पहले जो है अभी मैम यहाँ पे लाइट ऑन कर देती है, उसके बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले इनका दांतों का चेकअप होता है, और यहाँ पे मैम बोलती है कि रिलैक्स अनुपा, आप जो है बेफिक्र रहिए, आपका दांतों का जो भी सर्जरी है वो हम बड़े प्यार से करेंगे और आपको दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि एक महिला का दर्द एक महिला समझती है। तो मैं यहाँ पे अनुपा को लेकर आया हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले अनुपा का होता है एक्सरे, क्योंकि दांतों का एक्सरे करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है पता चलता है कि भाई दांतों में कहाँ पे कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम है, और कौन सा दांत ख़राब है आपका, कौन सा आपका नया लगने वाला है। और सामने जो ये आप मशीन देख रहे हैं ये एक्सरे मशीन है, और साथ में ये डॉक्टर के असिस्टेंट भी हैं। और यहाँ पर मैं आपको सामने दिखाऊँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये फिट हो जाती है, और यहाँ पे सामने पे लैपटॉप पे यहाँ पे ये स्कैन होता है दांतों का एक्सरे, और सामने आपको दांत भी दिखाई दे रहे हैं कि कितने डैमेज हो रखे हैं और क्या यहाँ पे इसका सर्जरी करना है, सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। और उसके बाद मैम जो है भर देती है भाई इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन पड़ने वाला है अनपा के दांत में, और अनपा जो है देख के इस इंजेक्शन को देख के ना काफ़ी ज़्यादा डर रही है कि भाई क्या होगा, मतलब होता है ना बच्चों को भी डर लगता है ना इंजेक्शन से, हर किसी को इंसान को लगता है, हमें भी बचपन में खुद डर लगता है इंजेक्शन से। तो ये इंजेक्शन बेसिकली दांतों में इसलिए दिया जाता है ताकि जो दांतों में दर्द रहता है ना वो फील ना हो पाए किसी भी इंसान को। तो यहाँ पर सबसे पहले दांत निकालने से पहले यहाँ पर इंजेक्शन दिया जाता है, दो दांत यहाँ पर अनपा के ख़राब हैं जिसमें कि ये इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद जो है उन दांतों को तोड़ा जाएगा यानी सर्जरी के द्वारा। अभी इंजेक्शन दे दिया है,
और अब यहाँ पे डॉक्टर ने पूछा कि कैसा फील हो रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा? तो अनुपा बोल दी कि नहीं जी, दर्द अभी नहीं हो रहा है। तो अनुपा के जो पीछे के खाने के दांत है वो एकदम डैमेज हो रखे हैं, तो इनकी पूरी सर्जरी हो रही है। तो अनुपा की सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है और फिर हम आ जाते हैं बाहर। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप जरूर करना। आप लोग हमें कहाँ से देखते हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ दोस्तों, आप ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि भाई ज़िंदगी में ना सुख और दुख ऐसी चीज़ है कि जो इंसान की लाइफ में हमेशा आते हैं।